इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। इस मुल्क में महज नाम की बुनियाद पर ही नफरत की जाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, मगर जो भी है वो इसी नाम में है, क्योंकि नाम के बिना पर ही किसी से नफरत की जाती है। सोशल मीडिया पर हर रोज एक आध वीडियो वायरल होता रहता है किसी न किसी शहर या मुल्क के किसी गाँव करिए में गरीब ठेले वाले को महज मुस्लिम होने की बिना पर गाँव से बाहर निकाल दिया जाता है। सब्जी फ्रूट बेचने वाले को धर्म पूछ कर पीटा जाता है। खैर, आज ये बात इसलिए भी कहना जरूरी है क्योंकि शेर मैसूर शेर हिंद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश इसी महीने मनाई जाती है। पहले सभी सेक्युलर पार्टियां सरकारी तौर पर टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश को मना करती थी, लेकिन जब से भाजपा हुकूमत पर फाइज हुई है तो इन्हें तमाम मुस्लिम नामों से ही नफरत होने लगी है। जिस शख्स की तस्वीर भारत के संविधान आईने हिंद में हो, उस शख्स की तस्वीर को अब हर जगह से निकाली जाने की कोशिश जारी है। सरकारी तौर पर तो शायद कुछ उर्दू स्कूलों को छोड़कर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह की तस्वीर को निकाला जा रहा है। अब तो फिरका परस्तों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अगर टीपू जयंती मनाई जाए तो फसाद बर्पा करने की धमकी दी जाती है। भले मुल्क की तरक्की ना हो पर गांव के नामों को बदलना जरूरी है। उस टीपू शहीद से नफरत है जिन्होंने सल्तनत खुदादाद होने के बावजूद भी श्रीरंगापट्टन का नाम नहीं बदला। आखिर क्या मुश्किल था टीपू सुल्तान को? खुद बादशाह थे, दूर दूर तक हुकूमत फैली हुई थी, लेकिन जिस तरह झूठे प्रोपोगंडे के तहत कहानियां गढ़कर हिंदू विरोधी या कन्नड़ विरोधी कहकर इनके नाम को मिटाने की नाकाम कोशिश की जा रही है, खुद तारीख की किताबों में मौजूद है कि कितने मंदिरों को टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने बतौर इमदाद लाखों रुपए दिए गए। और उन लोगों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है जिन्हें इस मुल्क के संविधान से ही नफरत है, जिन्होंने गांधी को नहीं बख्शा और गांधी जी के कातिल के जिंदाबाद के नारे आज भी संसद में लगाए जाते हैं। तो इन्हें टीपू शहीद से कैसे मोहब्बत हो सकती है? अंग्रेजों की साजिशों को, इनके मंसूबों को टीपू सुल्तान जानते थे, तभी तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई। बहादुरी जुरतमंदी आखिर क्या है? मुल्क हिंद की खातिर इस मुल्क में अंग्रेजों का कब्जा ना हो इसके लिए जानों के नजराने पेश करना बुजदिलों को क्या मालूम? अंग्रेजों से माफी मांगकर अपनी जान छुड़ाने वाले महज वीर नाम रख लेने से कोई बहादुर तो नहीं हो जाता। लिहाजा आज माफी वीरों का ही बोलबाला है। ये वही माफी वीर है जिन्होंने अपनी किताब थॉट ऑफ बंच में गोलवलकर के लिखे गुरुजी समग्र दर्शन में कई सारी तफसीलात हासिल होती। अपने आरएसएस के दफ्तर पर कभी इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया, जबकि 1857 से लेकर मुल्क आजाद होने तक मुसलमानों ने सफ़े अव्वल में जंग आजादी लड़ी। रेशमी रुमाल खिलाफत मूवमेंट हजारों माओं को दरख्त पर झूलते हुए देखा, यही माफी वीर। आज मुसलमानों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट पूछते हैं और इन्हें बात बात पर पाकिस्तान का टिकट थमाते रहते हैं। आज जिस आजाद भारत की बुनियाद रखने वाले टीपू सुल्तान से इन्हें नफरत है। दरअसल ये आजादी भी उस अजीम शहीद के खून के कतरों का सदका है। आखिर क्या क्या नहीं किया इस पहले अजीम मुजाहिद आजादी ने, यहाँ तक कि अपने बच्चों को तक गिरवी रखा, सब कुछ निछावर किया। आखिर कुछ अपने मुनाफिक और कुछ गैरों की गद्दारी की वजह से आखिर 4 मई 1799 को जाम शहादत नसीब हुई। जब उस अजीम बहादुर की शहादत हुई तो अंग्रेज जनरल ने कहा, क्या अब यह मुल्क हमारा हुआ? कितना भरोसा था इसे कि टीपू सुल्तान की शहादत के बाद कुछ फर्जी वीरों को अंग्रेजों ने महसूस भी किया था, लिहाजा 150 साल लगे इस मुल्क को आजाद करवाने में। टीपू की शहादत के बाद अंग्रेजों को यह पता था कि आगे भी इसी की और इन्हीं की नस्ल से मुकाबला करना पड़ेगा। अल्लामा इकबाल ने कहा कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे,
पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। ऐ अल्लाह तुझसे बरहम हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तय क्या चीज़ है हम तोप से लग जाते थे। मुख्तसर ये कि जब टीपू सुल्तान अपने किले का जायज़ा लेकर दोपहर का खाना खाने ही वाले थे, अंग्रेजों ने किले पर हमले की खबर आती है। सुल्तान टीपू उस लुकमे को वहीं छोड़कर अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं। घोड़े का नाम था ताऊस। उस पर बिना हाथ धोई छलांग लगाकर बैठ जाते हैं। हाथ में तलवार और दो नाली की बंदूक को अपने कंधे से लगाते हैं। कुछ लोगों ने टीपू सुल्तान को रोकने की कोशिश की और कहा कि आज शायद हम जंग हार सकते हैं, आज की जंग को टाला जाए और यहाँ से बचकर निकलते हैं। लिहाजा शेर हिंद टीपू सुल्तान ने दारी के जुमले इस्तेमाल किए और कहा कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है शेर की 1 दिन की जिंदगी, और तूफानी रफ्तार से घोड़ा दौड़ा है। फिर जैसे कहा था वैसे हुआ। कई अंग्रेजों को जहन्नम रसीद कर सुल्तान टीपू शहीद हुए। कहने को बहुत कुछ है दोस्तों, आखिर क्या तारीख है हमारे असलाब की। उन मुखबिरों से हमारा यही पैगाम कि आज भी हमारी रगों में मुखबिरों का लहू नहीं है। तारीख के औराक में आज भी दर्ज है कि मुखबिर कौन थे, गद्दार कौन थे। आज किताबों से तारीख को मस करने की कोशिश की जा रही है, टीपू सुल्तान को गद्दार साबित किया जा रहा है, लेकिन उन गद्दारों को मालूम नहीं कि तारीख लिखी नहीं जाती बल्कि रकम की जाती है, और तारीख वही बनाते हैं जो बनाने के काबिल होते हैं। खैर, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की बचपन से कहानी बताना इसलिए भी जरूरी नहीं क्योंकि टीपू सुल्तान की जिंदगी के असल मकसद को समझने की कोशिश करें। आज मुस्लिम माशरा गुलामी की जंजीरों में जकड़ता जा रहा है, आज भी गद्दार है, उस वक्त भी थे, लेकिन जिस तरह टीपू सुल्तान की परवरिश वालिद हैदर अली ने की थी, शायद इसका कुछ हिस्सा भी हम अपना लेते तो तारीख में बार बार टीपू की सिफत लिए बच्चे पैदा होते। अफसोस के माशरे में टीपू सुल्तान की सोच कहीं पर भी नजर नहीं आती। जिस तरह आज फिरका परस्त तंजीमें इनकी तस्वीरों को हटाने, इनके नाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आने वाली नस्ल वाकई टीपू सुल्तान को याद भी कर पाएगी या नहीं? यकीन के साथ कहता हूं कि आज की नस्ल जितना आर्यन खान जैसे नशेबाज का जिक्र जितने बार करती होगी उसमें का कुछ हिस्सा भी अगर टीपू सुल्तान को याद करते माशरे में कुछ तब्दीलियों की उम्मीद कर सकते थे। आज माशरे में ना तो वो माँ जिसने टीपू को जन्म दिया था और ना ही वालिद हैदर अली जिसने कम उम्र में ही अंग्रेजों से लड़ने के लिए मैदान में भेजने वाले बाप का जिगर पाया हो, हमारे पास कहने के लिए बहुत है और यही पिछले 70 सालों से करते आ रहे। हमें शिकायत उनसे नहीं है कि कौन टीपू का नाम मिटाने की कोशिश कर रहा है, शिकायत तो उनसे है जब हम उनसे मोहब्बत का दावा करते हैं तो कितने इजलास कितनी महफिलें को खासकर टीपू के नाम पर मुनक्कद करते हैं। बेलगाम में टीपू सुल्तान के नाम से सर्कल नहीं बना सकते, जबकि कॉरपोरेशन में 1985 में ही रेजोल्यूशन पास होने की बात कही जाती है। इससे बढ़कर इस मुल्क की क्या बदनसीबी हो सकती है जिसने मुल्क की आजादी के लिए सबसे पहले कुर्बानी दी उसका नाम मिटाने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है। वही दूसरी ओर राष्ट्रपिता का कत्ल करने वाले गोडसे को महात्मा बनाने की कोशिश जारी है। बदकिस्मती से यही सोचो फिक्र के लोग इख्तदार में भी बैठे हुए हैं। पहले जितना उर्दू फिर तारीख इस्लाम पर बहस मुबासे बयान देखे जाते थे, अब कहीं पर भी ऐसे इजलास महफिलों को नहीं देखा जाता। दीनी बेजारी, इस्लाम से बेजारी आज के नौजवानों में कसरत से देखी जाती है। पढ़ने लिखने से तो काफी दूर हो चुके हैं, मोबाइल की रिंगटोन और सांसें एक साथ चलती रहती है। कभी कभी ये सोचने पर मजबूर भी हो जाता हूँ कि वाकई जैसे कहा जा रहा है कि अगर बिजली की पैदावार रुकने वाली है, कुछ शहरों में अंधेरा होने वाला है, इसकी हकीकत कितनी है ये अलग मामला है, क्योंकि कोयला खत्म हो रहा है। क्या अगर वाकई कौम बिना मोबाइल के जिंदा भी रह पाएगी? अब तो छोटे बच्चे मोबाइल के बिना खाना भी नहीं खा रहे। तकरीबन घरों में वालिदैन घर जाते हैं तो बच्चे मोबाइल पर देर रात तक आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं। उन कमसीन बच्चों के जहनों पर तक मोबाइल का असर देखा जा रहा है। क्या इसी नस्ल में कोई टीपू सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पैदा हो सकता है? खैर, जरूरत है ऐसे वक्त में माशरे में टीपू सुल्तान की सोच और फिक्र की शुरुआत अपने ही घरों से की जाए, क्योंकि टीपू को किसी दूसरे के घर में पैदा होने का इंतजार नहीं करना है। अल्लामा इकबाल ने कहा कि जलाल आतिशो बर्क व सहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर। तू किसी इनकलाब की आमद का इंतजार ना कर, हो सके तो तू खुद ही इनकलाब पैदा कर। दुनिया के पहले मिसाइल मैन जिसकी तस्वीर के आगे आज भी अंग्रेज अपना सर तस्लीम खम कर लेते हैं, लेकिन आज का दौर तो फर्जी देशभक्तों का है। इन्हें टीपू से नफरत है क्योंकि टीपू सुल्तान मुसलमान है, तभी तो जितने भी मुगल मुसलमान बादशाहों के नाम है इन्हें मिटाने की कोशिश की जा रही है। आज भी मुस्लिम बादशाहों की तारीखी इमारतों से लाखों रुपए हुकूमत को मुनाफा होता है, अब तो इन्हें भी बेचने का फैसला हुकूमत ने लिया है। लिहाजा टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश पर नफरती चिंटू कितना भी उछल उछल कर एहतजाज करे, लेकिन भारत के असली वीर, क्योंकि आजकल नकली वीर बहुत हुए हैं, इन्हें दिल की गहराइयों से खिराज अकीदत पेश करते हैं, और हर भारतीय को कसम लेनी होगी कि कयामत तक टीपू को याद भी करेंगे और टीपू पैदा भी करेंगे, और हर दौर में होने वाले काले और गोरे अंग्रेजों के खिलाफ
हक की आवाज बुलंद भी करेंगे, क्योंकि टीपू जिंदा रहेगा तभी तो संविधान जिंदा रहेगा। इसलिए कि संविधान में टीपू सुल्तान आज भी तस्वीरों की शक्ल में जिंदा है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।